लेखक नरिंदर सिंह कपूर की लिखी किताब डूंघियां सिखरां विच्चों लई एक रचना सोहणे अते प्यारे तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। सोहणियां नूं वेखदियां अखां हन पर खिच दिल नूं पैंदी है, पर सन मन हुंदा है, पख दा शरीर है अते रज दा दिमाग है। लोग सोहणे नैण नक्शां करके लगदे हन पर प्यार उन्हां दे गुणां नाल कीता जांदा है। प्यारे सानू चंगे लगन करके सोहने प्रतीत हुंदे हन अते सोहने अपनी सुंदरता करके सानू प्यारे लगदे हन। किसे दा सोहना जां प्यारा लगना साडा निजी फैसला हुंदा है। इसे करके कहंदे हन कि किसे नू निरपक्ष हो के पसंद नहीं कीता जा सकदा। जे मजनू निरपक्ष हुंदा तां उसनू लैला कदे पसंद नहीं सी आउणी। किसे नू पसंद करन वेले मनुख मन मर्जी करता है। मनुख जिसनू पसंद करता है उसका विरोध जा उस नाल बहस नहीं करता, क्योंकि पसंद करना सहमत होने का खेतर है। बहस उन्हां नाल कीती जांदी है जेड़े सानू सोहने नहीं लगते। जेड़ा सानू प्यारा लगता है उस नाल गलबात कदे भी बहस नहीं बनती, पर जेड़े सानू चंगे नहीं लगते उन्हां प्रति असी कई ढंगां नाल जिवें आउण विच देर करके फासले ते बह के जां अति संखेप उत्तर दे के विरोध प्रगटाउंदे हां। किसे व्यक्ति चीज़ जां थां विच कोई सुंदरता नहीं हुंदी। सुंदरता वेखणा वेखण वाले मन दा गुण है। जदों किसे चीज़ नूं प्यार नाल वेख्या जावे उह सोहणी वी लगदी है अते प्यारी वी अते अनोखी वी। इसे आधार उत्ते मां नूं अपनी संतान, चित्रकार नूं अपना बनाया चित्र अते कवि नूं अपनी कविता सोहणी अते प्यारी लगदी है। इसे आधार ते पत्थर हीरे नज़र आउंदे हन अते गहने सोहणे लगदे हन। जदों असीं किसे चीज़ नूं सोहणी कहिंदे हाँ तां असल विच कह इह रहे हुंदे हाँ कि इह मैनूं पसंद है, मेरा दिल इस नूं प्राप्त करना चाहुंदा है, मैं इस दे नेड़े होना चाहुंदा हाँ। असीं दूजियां नाल केवल विहारक गल्लां ही करदे हाँ, पर हर मनुख नूं किसे अजिहे प्यारे दी लोड़ हुंदी है जिस नाल सारियां गल्लां कीतियां जा सकन। इस करके ज्यों ज्यों कोई साडा प्यारा होई जांदा है त्यों त्यों असीं अपनी जिंदगी दे अंदरले भेत उस नूं दसी जांदे हाँ। दूजी धिर वल्लों सानूं अपने निजी वेरवे दसने उस दे साडे विच विश्वास दा प्रगटावा हुंदे हन। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੋਝਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੈੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ, ਚੌੜਾਈਆਂ, ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जीवन दे राह दीआं मुसीबतां सानूं अपने प्यारिआं दे होर नेड़े लै आउंदीआं हन। प्यार दीआं मुसीबतां अपनी गंभीरता अते खतरिआं कारण सानूं उदास करदीआं हन, पर प्यार विच उदासी गहने वांग पहनी जांदी है। प्यार विच प्रेमियां नूं दर्द हंडाउण दी मौज मिलदी है। सच तां इह है कि प्यार करना उदासी विचों आनंद लैण दा खेतर है। उदास व्यक्तियों विच इखलाक दी पद्धर उच्ची हुंदी है। ओह वधेरे साऊ अते सियाणे प्रतीत हुंदे हन। निम्रता दा गुण उदासी दी पीड़ विचों ही जागदा है। जदों शब्द पीड़ जां उदासी दा बोझ नहीं चुक सकदे तां मनुख अथरुआं दी भाषा विच बोलदा है। रोना इस्त्री दी पुरश नालों इक उचेरी योगता है। जे पुरश विच वी रोण दा गुण हुंदा ता संसार विच प्यार वधेरे अते नफरत हिंसा घट होनी सी। प्रसन्नता दे मुकाबले उदासी वधेरे डूंगा अनुभव है। उदासी विचों ही महान कला दा जन्म हुंदा है। उदासी दी गहराई प्यारे वल्लों अपने सच होण दे अनुपात विच हुंदी है। उदासी ऐलान करदी है हुण तेरे बिना गुजारा होना मुश्किल हो गया है। कई गल्लां अजिहियां हुंदियां हन जिहड़ियां संखेप विच नहीं कीतियां जा सकदियां, जिवें सोहणियां दी सुंदरता दी व्याख्या अते प्यारे वल्लों अपने प्यार दा वर्णन। प्यार एक सजरा अते नरोआ अनुभव है, इसे करके इस दा नरोई उम्र जां जवानी नाल संबंध है। जवानी इसलिए मस्तानी हुंदी है क्योंकि जवानी उत्ते परंपरावां दे बंधन नहीं हुंदे, तजर्बे दा बोझ नहीं हुंदा, यथार्थ दी कुरूपता नहीं हुंदी। बीते दीआं नफरतां, बदले दी भावना अते पिछे खिंचण वाले पछतावे नहीं हुंदे। जवानी विच ताकत हुंदी है अते जितना चिर ताकत रहिंदी है उतना चिर मनुख अपने आप नूं जवान समझदा है। जवानी विच प्यार दा, कुर्बानी दा, सुपनिआं दा अते आदर्शां दा जोर अते जोश हुंदा है। कमज़ोर ना आप सोहणे हुंदे हन अते ना ही कोई इन्हां नूं सोहणा लगदा है। जदों उम्र जवान होवे, सोचां विच आदर्शवाद होवे अते जज्बियां दा सेक होवे तां सोहणे लोक ही मिलदे हन, जां जो मिलदे हन उह सोहणे लगदे हन। सोहणे होण विच नैण नक्श दा योगदान बहुता नहीं हुंदा, बहुता योगदान सुंदरता अते प्यार दे रहस विच हुंदा है। मिलण वाला आनंद इस रहस विचों उपजदा है। सोहणे अते प्यारे होना ही काफ़ी नहीं हुंदा, सुंदरता अते प्यार दा रहस उपजना भी जरूरी लोड़ है। चन्न दी रोशनी विच रहस हुंदा है, इस रहस कारण ही चन्न सोहणा लगदा है। असी अपने प्यारे नूं प्यार नहीं करदे, उस दे रहस नूं प्यार करदे हाँ। रहस ओह है जो साडी पकड़ विच नहीं आउंदा। इसे लई प्रेमी एक दूजे बारे क्यास लाउंदे रहिंदे हन अते रहस नूं पकड़न लई उतावले हुंदे रहिंदे हन। इह रहस अंदरले गुणां नाल उपजदा है। सोच समझ के किते प्यार स्वार्थ तों प्रेरित हुंदे हन, इस लई उन्हां विच इह रहस नहीं हुंदा। इस रहस नूं ही आदर्शवाद कहिंदे हन। प्यार आदर्शवाद दा खेतर है। जे रहस या आदर्श दी पद्धर उच्ची नहीं तां यथार्थ दी पद्धर भी उच्ची नहीं हो सकदी। इस रहस नूं ही आनंद, आत्मा अते परमात्मा कहिंदे हन। इस रहस नाल प्यार कारण ही सूफी दरवेशां, गुरुआं, संतां अते भगतां आदि नूं रहस्यवादी कहा जांदा है। प्यार अते परमात्मा दा कोई सिधांत नहीं हुंदा, इह दोवें अपने रहस कारण महत्वपूर्ण हन। इन्हां विच रहस दी सांझ है। रहस उस भेत नूं कहिंदे हन जिस नूं समझण दा जितना वधेरे यतन कीता जांदा है ओह उतना वधेरे गुंझलदार होई जांदा है। रहस दा संबंध दिमाग नाल नहीं, दिल नाल है, समझ नाल नहीं, महसूस करन नाल है। परमात्मा अते प्यार दिसदे नहीं, पर असी इन्हां नूं प्राप्त करन लई निरंतर तांगदे हाँ। ਇਹੀ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
क्योंकि प्यारियां दियां जिहड़ियां गल्लां सानूं सुनन विच रस दिंदियां हन उह सच्चियां वी लगदियां हन। इह रहस अचानक नहीं उपजदा, तू कितनी सोहणी है जां तू बड़ा प्यारा है सुनन वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। चंगे प्यारे अते सोहणे अक्सर दुख पाउंदे हन, दुख तां सारे पाउंदे हन पर अपने प्यारियां दा दुख साडा ध्यान वधेरे खिंचदा है। सानूं प्यारा कोई कोई लगदा है जदों कि बहुतियां नाल साडी जाण पछाण ही हुंदी है। जिन्हां नाल साडी केवल जाण पछाण ही हुंदी है उन्हां दे दुख सानूं दुख नहीं समस्यावां ही प्रतीत हुंदे हन। दुख प्यारियां दी चंगियाई नूं दृढ़ करदे हन। हीरे रगड़ तों बिना चमकदे नहीं, रगड़ हीरे लई दुख है। सोना अग तो बिना शुद्ध नहीं हुंदा, अग सोने लई दुख है। विछोड़े तो बिना प्यार मिठा अते तिखा नहीं हुंदा, विछोड़ा प्रेमी लई दुख है। चंगे अते प्यारे बंदे दुखां विच्चों लंघ के ही चंगे खवाउंदे हन। दुख चंगे बंदियां दा इम्तहान हुंदे हन। जे अंदर प्यार होवे तां दुखां नाल जीवन भैड़ा नहीं सगो होर डूंघा हो जांदा है, क्योंकि दुख बारे साडा दृष्टिकोण ना पक्खी हुंदा है इसलिए असी दुखी हुंदे हाँ। दुखां तों मुक्त जीवन की कोई संभावना नहीं। जिन्हां नूं दुखां विच्चों लंघना पैंदा है वह विशाल अते मिठे हो जाते हैं। दुखां विच्चों ही महान व्यक्तियां अमर रचनावां सदा टुंबदे रहण वाले गीतां दा जन्म हुंदा है। हर दुख का एक लाभकारी पक्ष भी हुंदा है। जीवन विच जे दुख ना हुंदे ता आत्मा परमात्मा हमदर्दी सहयोग प्यार आदि दे संकल्प भी ना हुंदे। विछोड़े दा भी लाभ हुंदा है। विछोड़े विच असीं दूजे दे महत्व नूं पछाणदे हाँ। संकट दा भी लाभ हुंदा है। संकट विच साडी सोचण दी समर्था वधदी है। संकट विच सोचना ही संकट दा हल हो निबड़दा है। संकट सानूं सियाणा बना दिंदे हन। संसार दा महान ज्ञान संकटां दी ही देन हुंदा है। हर चीज़ दा मुल उस दी विरोधी स्थिति विच जागदा है। जिवें भोजन दा महत्व भुख विच, पानी दा महत्व प्यास विच अते आराम दा महत्व थकावट विच जागदा है। प्यार विच दोहां धिरां दे इक होण दे अहसास नाल संकट अते मुसीबतां सहण दी हिम्मत वध जांदी है अते इह संकट अते मुसीबतां ही सोहणियां अते प्यारियां यादां बणदियां हन। असीं अतीत दीआं यादां नाल भविख दीआं मुश्किलां अते चुनौतियां दा सामना करदे हाँ। जे प्यार सच्चा रहा होवे तां विछड़न मगरों भी दोवां धिरां एक दूजे दे संपर्क विच रहिंदियां हन अते एक दूजे दी जिंदगी नूं सिंजदियां रहिंदियां हन। सोहणी इस्त्री नूं वेखण जां प्यारे पुरश नूं मिलण पिछे उदेश स्वर्ग की झलक वेखना हुंदा है। खूह विच असी पानी नहीं डूंघाई वेखदे हाँ। प्यारे नूं असी वेखदे मिलदे नहीं उस अंदर उतरदे हाँ। प्यारे भरावां दी ताकत भैणां विच झलकदी है अते सोहणियां भैणां दी सुंदरता भरावां विचों दिसदी है। किसी की सुंदरता जां उसदा साडे लई प्यार साडी उस बारे चंगी राय उसारन विच सहायक हुंदा है। सोहणियां नाल सारे संबंध उसारना चाहुंदे हन। हर कोई उहनां नूं उड़ीकदा है। उहनां नाल नेड़ता सानूं अपनी अकल अते रुतबे दे उच्चे होण दा अहसास कराउंदी है। किसे नूं पसंद करना अते किसे वल्लों पसंद कीते जाणा साडे तंदरुस्त अते चढ़दी कला विच होण दा प्रमाण हुंदा है। जदों कोई सानूं झाड़ पाउंदा है तां साडी अपने शरीर अते अपने आप बारे राय नीवीं हो जाती है अते असीं अपने आप नूं कुरूप समझण लग पैंदे हाँ। पर जदों कोई प्यार जां सतिकार दिंदा है तां सानूं अपने सोहणे होण दा अहसास हुंदा है। पुरशां दे प्रशंसामई ध्यान नाल उदास अते थकियां होईयां इस्त्रियां भी सोहणियां अते चुस्त हो जांदियां हन। सच्चे प्यार नाल दिल जवान अते हौसला बुलंद रहिंदा है। सोहणी इस्त्री नूं वेख के हर दिल वाले ज्योंदे पुरश नूं अपनी उम्र 20 साल घट गई प्रतीत हुंदी है। एक प्रेमी नूं कई वरे मगरों मिलण उत्ते विश्वास ही नहीं सी आया कि उस तों विछड़ के उसकी प्रेमिका कोड़े तजर्बियां विच्चों सबूती लंघ गई सी अते ओह अजे भी उस नूं प्यार करदी सी। मिलण उत्ते प्रेमिका ने कहा सी,
तू तो मेरे कोल है, मैं ही तेरे तो दूर हाँ। कुछ लोग होंदे हन जिहड़े सानू मिकनातिस वांग अपने वल खिंच लैंदे हन। इह लोग साडी जिंदगी विच रौनक भर दिंदे हन। साडी जिंदगी दीआं सोहणीआं घड़ीआं विच अनेकां व्यक्ति शामिल होए हुंदे हन। अपने आप बारे साडे कोल अंदरूनी सूचना भी हुंदी है, जदों कि दूजिआं बारे साडे कोल केवल बाहरली सूचना ही हुंदी है। पर प्यार होण दी सूरत विच असीं दूजी धिर दे अंदर झात मारदे हाँ। हर किसी के आले दुआले 3 फुट का एक सुरक्षित घेरा हुंदा है। इस घेरे विच असीं उसे नूं प्रवेश करन दिंदे हाँ जिहड़ा साडा प्यारा हो जाता है। अपनी अखां नाल सोहणे लोकां दी असीं फोटो खिंचदे हाँ, पर जिहड़े प्यारे भी लगदे हन उन्हां दी असीं पूरी फिल्म बना लैंदे हाँ। संबंध किवें उसरदे हन, प्यार किवें पैंदा है, समाजिक पिछोकड़ दी सांझ, इक्को जिहे आर्थिक वसीले ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਵਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਹੁਸਨ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਸੋਹਪਣ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਣਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਣ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ,
पर काली होने के बावजूद कोयल अपने गुणा करके प्यारी लगती है। नैण नक्श मुढ़ली जान पछाण ही कराते हैं, प्यार गुणा नाल ही किया जाता है। सोचो अते विश्वास करो कि तुहाडे विच भी गुण हैं। अपने गुण पछाणो, अपना मूल अपनी योग्यता अते अपने गुणा नाल पवाओ। तुहाडे गुण तुहानूं हरमन प्यारा बनाउणगे अते इवें तुहानूं अपने सोहणे होण दा भरपूर अहसास होवेगा। अजिही हालत विच पैसे होण ना होण, तुसी अपने आप नूं भरिया होया खुशहाल अते अमीर समझोगे।